इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स फोरम, इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम, व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़। रिसेंटली इंडिया हैज़ ज्वाइंड द इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम एज एन एफिलिएट मेंबर, नॉट अ परमानेंट मेंबर, एज एन एफिलिएट मेंबर इंडिया ने ज्वाइन किया इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम को। अबाउट दिस इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम, द IMDRF वॉज फाउंडेड इन 2011। दिस इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर फोरम हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन 2011। पर्पस क्या था? इट इज़ अ कलेक्टिव ऑफ ग्लोबल मेडिकल डिवाइस रेगुलेटर्स एम्ड एट एक्सेलरेटिंग द ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन एंड, तो यहाँ पर ग्लोबल लेवल पर जो मेडिकल डिवाइस का है उसका रेगुलेशन करना ये मेन है कि ग्लोबल लेवल पर उसको एडॉप्ट किया जाए एक्सेलरेटेड लेवल पर, एक्सेलरेटिंग द ग्लोबल एडॉप्शन ऑफ द रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन, मतलब है कि सभी लोग उसको अपना सकें एट द लेवल ऑफ द ग्लोबल लेवल। कन्वर्जेंस फॉर मेडिकल डिवाइसेस मेंबर्स, द फोरम इंक्लूड्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज फॉर एन सेवरल फ्रॉम सेवरल कंट्रीज सच एज द US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, द यूरोपियन यूनियन, जापान, द यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, रशिया, चाइना, साउथ कोरिया, सिंगापुर एंड द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जो इसके मेंबर हैं ये हैं, और ये सारे आपको द मेंबर, द फोरम इंक्लूड्स रेगुलेटरी अथॉरिटीज फ्रॉम सेवरल कंट्रीज, सारे रेगुलेट करते रहते हैं जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके इनके मेंबरशिप होने का, और ये जो मेडिकल डिवाइसेस दे कैन बी एबल टू अडाप्ट। बेनिफिट्स ऑफ मेंबरशिप, फैसिलिटेट्स द हार्मोनाइजेशन ऑफ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स वर्ल्ड वाइड, तो जो वर्ल्ड वाइड सेम स्टैंडर्ड को फॉलो किया जा सके मेडिकल लेवल पर, ये फैसिलिटेट करता है यदि आप मेंबर हैं। रिड्यूसेस द कम्प्लेक्सिटी फेस्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स इन मीटिंग डाइवर्स रेगुलेशंस, तो इट रिड्यूसेस द कम्प्लेक्सिटी फेस्ड बाय मैन्युफैक्चरर्स। यदि आप अपना बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप मैन्युफैक्चरर के साथ प्रॉब्लम में आते हैं, लेकिन आप इनके मेंबर हैं तो ऐसा आपको प्रॉब्लम कम्प्लेक्सिटी नहीं आएगा। इट इन्हांसेस पब्लिक हेल्थ सेफ्टी थ्रू कोलाबरेटिव एफर्ट्स, तो जितने मेंबर कंट्री हैं एक दूसरे को पब्लिक हेल्थ सेफ्टी के लिए आपस में हेल्प करेंगे थ्रू द कोलाबरेटिव एफर्ट्स एंड रेगुलेटरी अलाइनमेंट, आपस में कुछ रेगुलेशन के साथ अलाइन रखेंगे एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ। इट प्रमोट्स इनोवेशन एंड एंश्योर्स टाइमली एक्सेस टू द न्यू मेडिकल डिवाइस फॉर पेशेंट्स, यदि कोई पेशेंट को किसी डिवाइस की ज़रूरत है और हमारे पास अवेलेबल है तो उनको सडनली एट अ फास्टर रेट दैट उनको पेशेंट्स को वो मेडिकल डिवाइस का एक्सेस करवाया जाए। इट्स सिग्निफिकेंस टू इंडिया, इंडिया इज़ एन एफिलिएट मेंबर, द इंडियाज पार्टनर पार्टिसिपेशन इन द IMDRF ओपन सेशंस विल फोस्टर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज ऑन द टेक्निकल टॉपिक्स विद अदर रेगुलेटरी बॉडीज, मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी एक्सचेंज किया जाएगा इंडिया के साथ टेक्निकल टॉपिक्स पे, और अदर दूसरे जो रेगुलेटरी बॉडीज भी हैं वो भी हेल्प करेंगे टेक्निकल एक्सचेंज विद इंडिया। दिस एंगेजमेंट विल अलाउ डिस्कशन ऑन द लेटेस्ट स्ट्रेटजीज एंड ट्रेंड्स इन द मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन, आज के डेट में एज पर द रेगुलेशन जो लेटेस्ट डिवाइस मेडिकल डिवाइस अवेलेबल हैं, जो और लेटेस्ट जो ट्रेंड्स चल रहा है, स्ट्रेटजी चल रही है, उसके बेसिस पर ये डिवाइस अवेलेबल है वो भी कराया जाएगा रेगुलेशन के द्वारा। इंडिया विल प्रोवाइड इंसाइट्स रिगार्डिंग इट्स रेगुलेटरी एक्सपीरियंस एंड पर्सपेक्टिव, और इंडिया विल प्रोवाइड, और साथ में इंडिया भी प्रोवाइड करेगा इस इंसाइट्स को रिगार्डिंग रेगुलेटरी एक्सपीरियंस, उनको कैसा रेगुलेटरी एक्सपीरियंस मिला वहाँ पर एंड देयर पर्सपेक्टिव रिगार्डिंग IMDRF। द कोलाब्रेशन इज एक्सपेक्टेड टू फोर्टिफाई द सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो कोलाब्रेशन है उसको कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी, फोर्टिफिकेशन होगा सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड
कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन मेडिकल डिवाइस रेगुलेशन फ्रेमवर्क, जो भारत का सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है, उसको स्ट्रेंथ मिलेगा फॉर द मेडिकल डिवाइस। इट एम्स टू एड्रेस इमर्जिंग टेक्निकल चैलेंजेस इन अ डाइवर्स लैंडस्केप टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के प्रोटेक्शन के लिए ये जो IMDRF है, ये हेल्प करेगा कि अच्छे टेक्निकल डिवाइसेस जो आराम से मिल जाए बिना चैलेंज का, और दैट इज़ द डिमांड फॉर द व्हाट प्रोटेक्टिंग पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। इंडियाज़ इन्वॉल्वमेंट इन द IMDRF इज़ ए स्टेप टूवर्ड्स अचीविंग इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। और ये भारत का जो इसमें इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, एक पहचान के साथ, एक वन स्टेप इज़ मूविंग फॉर इट्स मेडिकल डिवाइस रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। और अपने भारत का भी मेडिकल डिवाइस जो होगा वो भी रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स पर आएगा और इंटरनेशनल मार्केट में अवेलेबल रहेगा, और दूसरे देशों का भी भारत के पास अवेलेबल रहेगा।